हो गया था बहुत भयानक 98 में, तो मेरा शरीर 8 जगह से टूटा हुआ है, प्लेटें डली है, लेकिन इसके बाद भी कोई इसलिए कुछ आसन करने में मुझे उसके कारण दिक्कत होती है। लेकिन आज आपको लगता नहीं होगा कि मेरा शरीर 8 जगह से टूटा हुआ है। 98 के दिन थे, मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं चल भी सकता हूं, लेकिन योग के कारण। देखिए मैं हम एक पूरी एक आसन की तालिका बना सकते हैं कि प्रतिदिन हमको कौन कौन से आसन करने चाहिए। मैंने भी एक सूची बनाई आसन की, जो मेरे अनुकूल है वो आसन मैं करता हूँ। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था बहुत भयानक 98 में, तो मेरा शरीर 8 जगह से टूटा हुआ है, प्लेटें डली है, लेकिन इसके बाद भी कोई इसलिए कुछ आसन करने में मुझे उसके कारण दिक्कत होती है। लेकिन आज आपको लगता नहीं होगा कि मेरा शरीर 8 जगह से टूटा हुआ है। 98 के दिन थे, मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं चल भी सकता हूँ, लेकिन योग के कारण। देखिए मैं प्रधानमंत्री जी की बात मैंने कही, संतों की बात कही, मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। मैं भी दिनों रात काम करता हूँ, 18-18 घंटे काम करता हूँ, तो भी मन थकता नहीं है, शरीर भी थकता नहीं है। और कैसे काम करें, और बेहतर कैसे करें, और अच्छा कैसे करें, एक ललक मन में बनी रहती है। और ये कोई विशेष रूप से भगवान ने ऐसा बना के नहीं भेजा, हम चाहें तो अपने आप को वैसा बना सकते हैं। और इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मेरी पहली अपील है कि हम दिन एक दिन योग करें। ये कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो आज योग कर लें। मेरे बेटा बेटियों, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमको इतना समय निकालना चाहिए कि हम 40-45 मिनट रोज अपने शरीर को दें। ये शरीर मंदिर है, इसी के माध्यम से हम सब काम करेंगे। हम बाकी सब करें और शरीर के स्वास्थ्य के लिए ही काम नहीं करें, स्वस्थ रहने के लिए, तो फिर मतलब क्या है बेटा बेटियों। और इसलिए पहला संकल्प आज ये कि हम योग एक दिन नहीं साल में रोज करेंगे। कौन कौन रोज करता है जरा हाथ उठाओ, जो रोज करते हो। देखो बेटा बेटी कितने ईमानदार है, जिनने किया वही हाथ उठा रहे हैं। अच्छा आज बताना कि अब इच्छा किसकी है कि रोज करेंगे, वो हाथ उठाओ। मैं सच बताता हूँ मेरे बेटे, मुझे बहुत खुशी हुई आप सबने हाथ उठाए। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसको अगर आदत बना लोगे तो सचमुच में कुछ बड़ा कर पाओगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।